कमेंट सेक्शन आपने भर भर के परेशान कर दिया था कुछ नए डीलर्स के बारे में बताओ। तो इस बार हम लोग आए हैं MR बाइक पॉइंट, जहाँ पे आपको मिलने वाली है मिक्स सेगमेंट में 55,000 रुपीज़ से यहाँ पे बाइक की शुरुआत होगी। और यहाँ पे कलेक्शन आप देख सकते हो, यहाँ पे पूरी की पूरी आपको यहाँ पे लो रेंज की बाइक देखने मिलने वाली है। तो मेरा नाम है ललित बाबरिया और आप देख रहे हो माय न्यू लाइफस्टाइल शॉर्ट्स। लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को दबाना भी ना भूलिएगा। तो जैसे कि हमने लो रेंज की बात की थी, तो लो रेंज में आपको यहाँ पे देखने मिलने वाली है, जैसे कि ये है 2019 की डियो, जो कि है आपको ये फर्स्ट ऑनर मिलने वाली है। और किलोमीटर की बात की जाए तो ये कुछ 7,000 से लेके 8,000 के आसपास चली हुई है, फुल्ली वेल कंडीशन में है। और यहाँ पे आप प्राइसिंग की बात करने जाए ये तो 55,000 रुपीज़ में आपको जाती है, जिसमें आपको डाउन पेमेंट जाता है इसके अंदर 15,000 रुपीज़। इसके बाद और एक यहाँ पे डियो है, जो कि ये भी है 2019 का सेकेंड ऑनर है, पर गाड़ी ये फुल कंडीशन में है। और गाड़ी की क्वालिटी की बात करने जाए तो A1 क्वालिटी में है। और अगर आपको इंटरेस्ट है तो यहाँ पे डिस्प्ले पे नंबर आ रहा है, वहाँ पे भी कांटेक्ट कर सकते हो। साथ ही साथ बता दूँ कि यहाँ पे लोन फैसिलिटी की बात की जाए तो यहाँ पे 15,000 डाउन पेमेंट पे ये भी गाड़ी आपको चली जाती है, और इसकी प्राइस जो है वो 50,000 है। यहाँ पे चले जाते हैं फिर एक्सेस 125, जो कि यहाँ पे आपको ग्राफिक बहुत ही ज़बरदस्त देखने मिलने वाला है यहाँ पे, जो कि न्यू जनरेशन के लड़के लोग उनको ये ग्राफिक बहुत ही पसंद आएगी। और ये है 2018 की सेकेंड ऑनर, 2018 की फर्स्ट ऑनर। और यहाँ पे आपको किलोमीटर की बात की जाए ये भी कुछ 8,000 से 10,000 किलोमीटर के आसपास चली हुई है, और ये आपको जाने वाली है 49,000 में। इसमें भी आप 15,000 डाउन पेमेंट देके लेके जा सकते हो। अगर एवरेज की बाइक की बात की जाए तो एवरेज में सबसे पहले आँख में आता है होंडा यूनिकॉर्न, जो कि ये आपको मिलने वाली है 2018 की फर्स्ट ऑनर बाइक है। और यहाँ पे क्वालिटी की बात की जाए तो बहुत ही रेयर यूज़ किया हुआ बाइक दिख रहा है ये, और इसके अंदर 70,000 रुपीज़ में ये आपको चली जाती है। इसके अंदर भी आप 20,000 रुपीज़ डाउन पेमेंट देके आप ये लेके जा सकते हो। और अभी जैसे कि स्पोर्ट्स वेरिएंट में बात की जाए तो यहाँ पे R1 है, R1 ये है फर्स्ट ऑनर है, और जनरली 8,000 किलोमीटर चली हुई है, और गाड़ी की कंडीशन बोलने जाए तो बहुत ही अच्छी है, 2019 के हिसाब से बहुत ही अच्छी कंडीशन में रखा है। और प्राइसिंग की बात करने जाए तो ये आपको चली जाती है 1,20,000-25,000 के आसपास है ये, जो कि आपको इसके अंदर मान सम्मान जो है वो हो जाएगा। ये रेंज में आपको पूरे मार्केट में 125 के रेंज में कोई भी नहीं देगा, आपको मिलेगा यहाँ पे। फिर चले जाते हैं पल्सर पे, पल्सर आपको देखने मिल जाती है 2020 की है, ये है फर्स्ट ऑनर बाइक है, गाड़ी की कंडीशन इसकी भी बहुत ही अच्छी है, बाइक की कंडीशन A1 में प्लस दूंगा, क्योंकि गाड़ी की जो कंडीशन देखने जाए तो यहाँ पे आपको स्क्रैचेस दिखने नहीं मिलते हैं। थोड़ा बहुत यहाँ पे आपको, जैसे कि यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, थोड़ा सा बहुत जो कि है आपको हैंडल पे देखने मिल जाएगा, बाकी बॉडी की बात की जाए तो बॉडी पे आपको एक ही स्क्रैचेस नहीं दिखाई देंगे। ये आपको चली जाती है लाख रुपये में, 1,00,000 रुपीज़ में आपको जाएगी। इसमें भी 30,000 डाउन पेमेंट ये भी दे के जा सकते हो। यहाँ पे चले जाते हैं हिमालयन, जो कि मेरी प्यारी लवर, जो इसका लवर हूँ मैं। और हिमालयन ये है 2017 का फर्स्ट ऑनर है। इसके अंदर एक्सेसरीज़ में बात की जाए तो यहाँ पे आपको लेग गार्ड मिलता है, साथ ही साथ इसमें प्रोजेक्टर लाइट लगी हुई है, और आपको यहाँ पे जो शील्ड दिख रहा है उस पर भी आपको ग्राफिक किया हुआ दिखाई देगा। तो इसकी प्राइसिंग की बात करने जाए तो ये आपको चली जाती है 1,20,000 में। अगर आप हिमालयन के बारे में सोच रहे हो 120 की रेंज में, तो ये आपको मिलने वाली है MR बाइक पॉइंट पे, जो कि है खारघर में। और एड्रेस की बात की जाए तो मैं एड्रेस पूरा डिटेल्स में ही बता देता हूँ, ये जो लोकेशन है ये है खारघर स्टेशन से 5 मिनट वॉकेबल डिस्टेंस पे है। यहाँ पे देख सकते हो ये सेक्टर 3 है, और यहाँ पे शॉप नंबर जो आप देख सकते हो शॉप नंबर 4 है। और खारघर से वॉकेबल डिस्टेंस पे बोले जाए तो आपको अगर गूगल पे डाल दोगे MR बाइक पॉइंट खारघर, तो आपको पूरा लोकेशन डिटेल्स में देखने मिल जाएगी। और अभी इनसाइड का पोर्शन देखते हैं, इनसाइड में क्या क्या अवेलेबल है। तो यहाँ पे आपको देखने मिलने वाली है RR 310, वो भी फर्स्ट ऑनर बाइक है। ये आपको देखने मिलने वाली है बहुत ही लो रेंज में, अगर आप देख रहे हो तो ये 1,40,000 के आसपास आपको मिलने वाली है।
RR310 जो कि आपको पता है अभी का रेट इसका न्यू का चल रहा है 3,10,000 पर आपको यहाँ पे सिर्फ 1,40,000 में हाफ एंड रेट में आपको मिलने वाली है, वो भी मिंट कंडीशन में। और उसके साथ साथ यहाँ पे चले जाए तो यहाँ पे आपको मिलती है निंजा जो कि है 2013 की सेकेंड ऑनर बाइक है। पर गाड़ी की कंडीशन की बात की जाए तो आपको ये 2018-19 के आसपास दिखाई देगी, आपको लगेगी नहीं आपको 2000 ये 13 की मॉडल है। और ये आपको मेरे ख्याल से चला जाता है 1,60,000 में, और इसके ऊपर भी मान सम्मान हो जाएगा जो आपको प्राइस का जो मैं बता रहा हूँ, जो भी प्राइस बता रहा हूँ ये फाइनल रेट नहीं है, इसके ऊपर भी मान सम्मान हो जाएगा, लोन फैसिलिटी इस पर भी हो जाएगी। अब चले जाते हैं और एक यहाँ पे है सेकेंड ऑनर बाइक है जो कि एक KTM 390, जो कि मुझे बहुत से मैसेज कर रहे थे कि भाई लाख के अंदर लेके आओ, लाख के अंदर लेके आओ, लाख रुपए के आसपास आपको ये देखने मिलने वाले हैं। 1,05,000 में है ये, आपको मिलने वाली है KTM 2016 की और सेकेंड ऑनर बाइक है। गाड़ी मिंट कंडीशन में है, आपको यहाँ पे उसकी स्क्रैचेस थोड़े भी ज़्यादा दिखाई देगी नहीं, आप यहाँ पे आइए विजिट कीजिए तो आपको यहाँ पे क्वालिटी की पता चलेगी, क्योंकि आपको जैसे वीडियोस हम बताते हैं वीडियो में कैसे है मेरा जो क्वालिटी है वो आपको अच्छा दिखाई देगा, उससे बेटर है आप विजिट करोगे यहाँ पे आपको क्वालिटी रियल में जो लाइव क्वालिटी है वो देखने मिल जाएगी। अभी तो मैंने जो कलेक्शन दिखाया वो शॉर्ट कलेक्शन दिखाया है, इनके और 3 से 4 ब्रांचेस है जो कि कल्याण साइड है, फिर और भी 2-3 साइड है जो कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फिलहाल तो मैंने अभी कलेक्शन दिखाया 10 से 12 गाड़ियों का। ये कलेक्शन आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, साथ ही साथ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।